हेलो फ्रेंड्स, मैं अवितेश फार्मवर्क एंड टैक्स सोल्यूशन। आप देख रहे हैं मेरा चैनल अवितेश फार्मवर्क एंड टैक्स सोल्यूशन। मैं आपको इसमें आज ओप्पो F1 का रियल कॉस्ट फोल्डर का बताऊंगा कि ओप्पो F1S का जो फोल्डर है उसका रियल कॉस्ट क्या है। तो आप मेरे चैनल अवितेश फार्मवर्क एंड टैक्स सोल्यूशन को देखते रहिए, इसे लाइक करिए, शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए। चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, मैं अवितेश फार्मवर्क एंड टैक्स सोल्यूशन। फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आपके पास कोई ओप्पो का F1S मॉडल हो और उसका फोल्डर फूट गया हो या डैमेज हो गया हो या ब्रेकेज हो गया हो, तो उसको आप अगर मार्केट में रिप्लेस कराने जाते हैं तो उसका आप कितना कॉस्ट देते हैं मार्केट में। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर आपका ओप्पो F1S है और उसका स्क्रीन टच अगर ब्रेक हो जाए तो उसको आप मार्केट में बनाने जाते हो तो उसका आपको कितना कॉस्ट देना है, ये आपको पता होना चाहिए। तो देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, ये ओप्पो F1S का फोल्डर है। ये देखिए, ये इस तरह से आता है पूरा का पूरा डिस्प्ले। ये टच है और इसमें यहाँ पीछे देखिए डिस्प्ले लगा हुआ है, दोनों कंबाइंड है, दोनों चिपका हुआ एक साथ है। ये देखिए डिस्प्ले का ये जो पोर्शन है, ये डिस्प्ले का पोर्शन है और ऊपर ये जो है टच का पोर्शन है, ये देख लीजिए। और इसका जो रियल कॉस्ट है ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये देखिए 1200 रुपये का रियल कॉस्ट है। इसका जो कॉस्ट है रियल वो 1200 रुपये का। आप मार्केट में देने जाओगे तो आपसे दुकानदार हो सकता है ज़्यादा मांग ले, तो आपको पता होना चाहिए कि इसका जो रियल कॉस्ट है वो कितना है। तो मेरे चैनल पे देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, ये 1200 रुपये का फोल्डर है। इसको आपको फिटिंग करने के बाद दुकानदार जो है आपसे 300-400 जो भी ले, तो आप उसका जेन्युइन जो चार्ज है वो आप दे सकते हो। तो मुश्किल से 1500 रुपये में आपका ये फिट हो जाना चाहिए। नहीं तो कुछ लोग होता है कि 2500-3000 रुपये तक आपसे मांग सकते हैं। आपको कहेंगे ये ओरिजिनल है, ये है, वो है, लेकिन ये क्या है कि ओरिजिनल सिर्फ आपका सर्विस सेंटर में ही लगता है। मार्केट में आपको ओरिजिनल बहुत कम आता है, उसमें ओजी आता है, 99% ओजी आता है, आप वो लगा सकते हो। तो आप ये देखिए जो यह 1200 रुपये का है, इसके ऊपर भी आता है। तो नॉर्मल जो है 1200 वाला आपका परफेक्ट होता है। आप उसको अपने डिस्प्ले में लगवाइए, अपने फोल्डर में, फ्रेम में, और उसका फील करिए। 1200 का माल 1500 में आप लगा सकते हैं। अगर आपका कोई दुकानदार नहीं लगाता है 1500 रुपये में, तो आप किसी और दुकानदार के यहाँ जाके देख सकते हो, चेक कर सकते हो, सर ये देखिए इतने का है, 1200 का है, 1500 ले लो। आपको 2000-2500 रुपये देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दुकानदार आपसे ज़्यादा मांग सकता है। तो आप हमेशा ध्यान दीजिए, आपको परचेज अच्छा होना चाहिए। आपको नहीं समझ में आता है, आप दुकानदार से कहो कि देखो भाई, मेरा परिचय है, मैं मार्केट जाता हूँ, वहाँ से लेके आता हूँ, मैं फिट नहीं कर सकता हूँ, पर आप फिट कर दो। तो आप जाके दुकानदार से बोलोगे तो दुकानदार आपको 300-400 रुपये फिटिंग चार्ज लेके आपका सेट फिट कर देगा। तो इस तरह से आप अपने पैसे को बचा सकते हैं, कम मतलब कि जानकारी की वजह से, कम जानकारी होने की वजह से पैसा नहीं बचता, लेकिन आप मेरे चैनल को देखेंगे जानकारी हो जाएगी। तो आप अपने पैसे को बचा सकते हो, आप कम सर्विस में अपना सेट रिपेयर करवा सकते हो। तो आप मेरे चैनल अवितेश फार्मवर्क को देखते रहिए, उसे लाइक करिए, शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद दोस्तों।